यात्रा नहीं है सर, ये तो हमारा आंदोलन है। जो आंदोलन का स्वरूप है, आपको बता दें कि हमारा जो मकसद है, सबसे पहले तो हम मकसद की बात कर ले। जी जी, हमारा जो मकसद है सर कि अब तक जो इन 22 वर्षों में झारखंड प्राप्ति के बाद जी हमें नहीं मिला, वो हमारा हक चाहिए। हमारा हक क्या है? हमारी पहचान है। सबसे पहले तो सर हमें हमारी पहचान मिलनी चाहिए, झारखंडी होने की परिभाषा तय होनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिली। और दूसरी बात है कि सर जो हमारे हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, नियोजन का जो तरीका अख्तियार करना चाहिए यहाँ के गवर्नमेंट को, अब तक किसी ने नहीं किया, ना ही यूपीए वाले ने किया, ना ही एनडीए वालों ने किया। सबसे ज्यादा मौका तो यहाँ पर एनडीए वालों को मिला है जी, जी। और लगभग 17 सालों तक ये काबिज रही सत्ता में, इन्होंने हमारी बातों को नहीं समझा। इसका नतीजा था कि हेमंत जी और यूपीए महागठबंधन प्रचंड बहुमत दे ही है यहाँ की जनता ने, और एक उम्मीद आशा भरोसे के साथ में भी जब हेमंत जी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति का निर्धारण होगा। परंतु सर इन 3 वर्ष में 4 वर्ष होने वाला बिल्कुल सर, ये जो हेमंत जी की जो कार्यशैली रही, गतिविधियाँ रही, बिल्कुल ही यहाँ की जनता की भावना के विपरीत रही। अब वो क्या कर रहे हैं, 60-40 वाली नीति को अपना कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आप देखें तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और सारी प्रक्रिया में, तो ऐसी तमाम नीतियों का जो कि हमारे झारखंडी हित में नहीं है, खतियानी हित में नहीं है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि खतियानी जो है वही झारखंडी है, तो जो खतियानी हित में नहीं है तो ऐसे तमाम नीतियों का हम विरोध करते हैं, चाहे 85 वाली नीति हो या फिर 60-40 की नीति हो या फिर रघुवर जी की जो बनाई हुई नीतियाँ जो थी वो मैट्रिक इंटर वाली नीति है, तमाम ऐसी नीतियों का सर हम विरोध करते हैं। और इसी विरोध को लेकर हम लोगों ने 129 दिनों का कार्यक्रम कंप्लीट करने की बात को उठानी है। और हमारे दिल्ली विधानसभा में सर 48 पंचायत है, क्योंकि हमने 48 पंचायत के लिए 48 दिन का समय दिया, वहाँ हमने 21-21 किलोमीटर की मैराथन रोज के रोज कंप्लीट की। उसके बाद में ये जो 81 विधानसभा है सर, हर एक विधानसभाओं में हमारा ये खतियानी मैराथन दौड़ का यहाँ पर रोज के रोज कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के साथ में कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, ताकि हमारे यहाँ की युवा युवतियों को पहचान मिल सके, एक एक व्यक्ति को हमारा काम मिल सके। हमारी तो यही तमन्ना है सर कि झारखंड में जितनी भी विभागे हैं और विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं जी, हर एक कुर्सी में बैठने वाला खतियानी होना चाहिए, चाहे वो अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो। हम बात कर ले सर वीडियो सीओ की बात कर ले, या फिर टीचर प्रोफेसर की बात कर ले, डॉक्टर इंजीनियर की बात कर ले, या फिर हम चपरासी की बात कर ले, डॉक्टर इंजीनियर के लिए सर आज तक बेहतर पॉलिसी नहीं बनी। हमारे यहाँ डॉक्टर कैसे बने लोग, इंजीनियर कैसे बने, हमारे स्कूल कॉलेजों में कैसे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो, ये आज तक पॉलिसी नहीं बनी। हमारे वीडियो सीओ जो है सर उसको हम प्रमोट करके हम कैसे डीसी बना दें, एसपी बना दें और इसके द्वारा हम जिले का संचालन करें, ये व्यवस्था नहीं हुई। हम तो चाहते हैं कि हमारा आईएएस भी अपना हो, हमारा आईपीएस भी अपना हो, ताकि उसके हाथों से जब हमारा जिला संचालित होगा तो निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से संचालित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की व्यथा को, हमारे यहाँ के जो स्थितियाँ को हमारे यहाँ के लोग समझेंगे, खतियानी समझेगा, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति समझेगा। आप भी जानते हैं सर कि घर की जो देखभाल होता है, घर का जो बेहतरी है वो घर वाला ही सोचता है, ना कि कोई रेंटर सोचता है। तो ठीक इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग आज इस कार्यक्रम को लेकर सर जम्मू आए हैं। आज का जो हमारा दिन है ये है 83 दिन है सर जिसको कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा ये आज का जो होगा 35वां विधानसभा होगा, 35वां, और हम लोग लगभग 1722 किलोमीटर की दूरी को कंप्लीट कर चुके हैं, 2709 किलोमीटर और लक्ष्य है जी वो हमें पूरा करना है। उसको तकलीफ दे रहे हैं रोज के रोज, आज के युग में कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ता नहीं है सर, लेकिन हम लोग 21 किलोमीटर की दूरी को इसलिए तय कर रहे हैं कि हेमंत जी जो सत्ता में बैठे हैं वो हमारी पैरों की तकलीफ को समझे, हमारी पीड़ा को समझे, हमारी व्यथा को समझे, ताकि हम सबों के लिए, मतलब खतियानी के लिए, झारखंडी के लिए बेहतर नीति का निर्धारण करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारा झारखंड समृद्धि और खुशहाली की मार्ग पर आगे बढ़ सके।
आज माननीय अमित महतो जी सिल्ली पूर्व विधायक हमारे जमुआ विधानसभा में पहुंचे हैं। उनका आज खतियानी जोहार मैराथन दौड़ में 83वां दिन में आज जमुआ विधानसभा में इनका 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ है और इनका जो मांग है वो जायज़ है। यहाँ की जनता, जो यहाँ के खतियानी जनता है, उनको उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए ही इनके प्रचार प्रसार में ही सरकार की नीतियों के खिलाफ इनका दौड़ है। और हम सब भी यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, जो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो भी यह मांग करते हैं कि खतियान आधारित हमारी पहचान हो और यहाँ के युवक युवतियों को रोजगार का अवसर भरपूर मिले। धन्यवाद। तिरासी दिन हुआ हम जहाँ खड़े हैं, ये है जमुआ की धरती और आज हमारा ये 35वां विधानसभा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि मैं रोज के रोज कहता हूँ आपको, हर एक विधानसभा से कहने का काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत के साथ में कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर नियोजन नीति का निर्धारण करें। परंतु आपको आज तक हमारी बातें अच्छी लगी नहीं, आपने हमारी बातों को हमेशा ही अनसुना किया, इसलिए मैं रोज के रोज लाइव के माध्यम से आपको आके कहने का काम करता हूँ। आप अगर नहीं देखते भी हो, देखने का जरूर काम करें, क्योंकि ये खतियानी के हित में है और ये खतियानी के लिए झारखंड बना हुआ है, ना कि किसी बाहरी के लिए बना हुआ है। एक एक नौकरियों में अगर कोई दिखना चाहिए तो वो हमारा खतियानी दिखना चाहिए। झारखंड में जितने भी विभाग हैं, विभाग में जितने भी कुर्सियां हैं, हर एक कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति हमारा खतियानी होना चाहिए, तभी हमारी झारखंड में खुशहाली आएगी, तभी हमारा झारखंड समृद्ध होगा और बेहतरी मार्ग पर चलेगा। आपकी जो ये गलत नीतियां हैं, जो 60-40 वाली नीति या मैट्रिक इंटर वाली नीति या फिर रघुवर दास जी की नीति, जिसको कि आपने अडॉप्ट कर रखा है, जिस ट्रैक पर आप दौड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे ट्रैक को तोड़ डालिए, खत्म कर दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा झारखंड विकास नहीं करेगा, गर्त के मार्ग पर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, सबसे पिछले पैदान पर जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी एक एक गलत नीतियों का विरोध हम करते हैं रोज के रोज, अपने पैरों को तकलीफ देकर, पीड़ा देकर, 21 किलोमीटर की दूरी को तय करके, यही मनसा पालते हुए आप हमारे यहाँ के युवा युवतियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बेहतर नीति का निर्धारण करें, ताकि हमें पहचान मिल सके, मान सम्मान के साथ में जीने का हक मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो इसी मुद्दे के साथ आए थे, आपका तो संविधान भी यही है कि खतियान के आधार पर कोई 80-90% नहीं, 100% नौकरी देंगे, आपके संविधान में ये बातें लिखी हुई है, परंतु आपने अपने संविधान का भी मजाक उड़ाया। ये सारी चीजें गलत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऐसी चीजें हमारी तकलीफ देने वाली बातें हैं, चुभती है, पीड़ा देती है। एक एक बच्चा हमारा कैसे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कैसे बीडीओ बने, सीओ बने, डीएसपी बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, दारोगा बने, यहाँ तक कि चपरासी बने, इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, कोई सिंपल साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसी चाहत के साथ में यहाँ की एक एक सदस्यों ने, सम्मानित व्यक्तियों ने आपको वोट करने का काम किया है कि अब तक की जो पूर्ववर्ती सरकारें, मतलब एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी की सरकार, जो अब तक हमें पहचान नहीं दे सकी, वो यूपीए गठबंधन देगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने भी हमारे यहाँ के खतियानियों को, हमारे यहाँ के झारखंडी को ठगने चलने का काम किया है। ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, ये बर्दाश्त की सीमा को आज पार कर गई है, इसलिए हमें घर से निकलना पड़ा, 129 दिनों का कार्यक्रम हमें बनाना पड़ा, हर एक जगह, हर एक विधानसभा में जाके हम विरोध करेंगे, 2709 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। आज हमारा 1722 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखें फिर से इस जमुआ विधानसभा में एक नहीं 21 कदम यहाँ भी दिखेगा। जो भी व्यक्ति है,
अब देख सकते हैं जो कि नहीं सकेंगे दौड़ने, वैसे व्यक्ति भी आज इस बात को चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ियां के लिए हमारे यहाँ बेहतर नीति का निर्धारण हो, हमारे बच्चे बेहतर भविष्य को देख सके, इसीलिए ये व्यक्ति आज खड़े हैं ताकि हम कल खुशहाल हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब देखे तब आज भी एक नहीं 21 कदम जमुआ में। ओके सर, चलिए जमी पर हेमंत बाबू चलते ही रह जाएंगे, कभी अकेले दिखेंगे तो कभी सैकड़ों हजारों के संग, पर दिखते ही रह जाएंगे। खतियानी है खतियानी के वास्ते, मौत आएगी ना जब तक हमको लड़ते हैं, लड़ते ही रह जाएंगे।